सो हेलो गाइस, मैं हूं दी सोल्जर। तो आज का मैच होने वाला है क्लैश स्क्वाड मैच। जी हां, कस्टम क्लैश स्क्वाड मोड है ये, और ये दो बंदों के बीच होने वाला है, वाइपर और M10 फास्टेस्ट। वाइपर है हमारे युवराज और M10 फास्टेस्ट हमारे फैज। दोनों के दोनों लड़के सिर्फ 13 साल के हैं। जी हाँ, 13 साल के मोमेंट है। और आगे वीडियो में देखना आप इन बंदों का गेम प्ले। लगता नहीं है दोनों के दोनों जो बच्चे हैं 13 साल के, इनका गेम प्ले इतना ओपी है ना गाइस। एक बार देखना जरूर, फुल वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना। तो चलिए, पहला राउंड है हमारा क्लॉक टावर में। देखते हैं कौन ले जाता है राउंड अपना। फैज की युवराज भाई, मूवमेंट तो भाई इनकी ओपी है, लग नहीं रहा है 13 साल के बच्चे हैं। ओ भाई, डैमेज हुआ है हमारा M10 फास्टेस्ट। ओपी हेडशॉट डेजर्ट ईगल से फैज के द्वारा। भाई साहब, दूसरा राउंड हमारा फैक्ट्री में आ गया है। क्या ये राउंड M10 फास्टेस्ट या वाइपर कौन ले जाएगा, चलिए देखते हैं। भाई मूवमेंट तो भाई क्या ही बोलूँगा मैं, कोई वर्ड्स नहीं इनके मूवमेंट। अच्छा खासा डैमेज, लेकिन वाइपर ले गया मैच भाई। M10 से हेडशॉट पहला बंदे ने। तीसरा मैच देखते हैं कौन ले जाता है राउंड। भाई दोनों के दोनों बच्चे कमाल के हैं यार, 13 साल के बच्चे मैच। भाई अच्छा खासा डैमेज वाइपर द्वारा M10 फास्टेस्ट को। क्या ये बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। ओके, तो इसने मौका दिया है उसे हील करने का। चेक कर रहा है बंदे कहां पर है वो। तो गाइस क्या लगता है ये राउंड कौन ले जाएगा, क्या हमारे वाइपर या M10 फास्टेस्ट। ओ भाई, दोनों ने अच्छा खासा डैमेज दिया, दोनों को डैमेज है, लेकिन M10 फास्टेस्ट जहां तक मैट की नहीं है भाई। वाइपर मौका ही नहीं दे रहा है अपनी वॉल टूटने का, वॉल पे वॉल लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ है भी नहीं अब M10 फास्टेस्ट पे। अब उसे रश ही करना चाहिए क्योंकि मैट किट तो है नहीं उस पर। ओपी मूवमेंट हो रही है, ग्लू वॉल तो भाई ऐसे लगा रहे हैं जैसे कि मक्खन की तरह मारते ही वॉल। थोड़ा सा डैमेज पड़ा है इसे, लेकिन अभी क्या लगता है भाई कौन ले जाएगा राउंड। ओ भाई ओपी हेड मारा है, लेकिन अब देखते हैं राउंड कौन ले जाएगा। ओ भाई वाइपर ले गया अपना राउंड। चौथा राउंड देखें जरा क्या होता है इस राउंड में। वाइपर हमारे 2 से आगे हैं, 2-1 से। बहुत डैमेज है, सीधा हेड ही हेड में सारी की सारी गोलियां लात। ओ भाई मौका ही नहीं दिया, मूवमेंट देखो यार इनकी क्या ही तेज हो रही है, मौका ही नहीं दे रहे हैं दूसरे को मारने का। पांचवा राउंड देखते हैं, फैज के हाथ जाता है कि युवराज। ओपी डैमेज, लेकिन वाइपर भी ये राउंड ले गया भाई, हेड तो खोल दिया था उसने भी। छठा राउंड फेंक कहाँ है अपना मिल में, ये राउंड कौन ले जाएगा, क्योंकि वाइपर 4-1 से आगे, तो इनके लिए सिचुएशन टफ है। क्या ये राउंड निकाल पाएंगे कि नहीं। ओपी मार रहा भाई ये बंदा वाइपर, लेकिन M10 फास्टेस्ट ने दिखा दिया भाई हम भी कम नहीं है, हेड ही हेड पेले उसको। तो 7th राउंड देखते हैं इसमें कौन जाता है ये राउंड। तो गाइस अभी तक आप वीडियो में बने हुए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना यार, क्योंकि यार ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। अच्छा खासा डैमेज,
भाई मूवमेंट तो भाई इन दोनों बच्चों की कमाल की है यार। बड़े बड़े भी ऐसी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। हेड चिपका दिया भाई, रेड नंबर्स में खेलते हैं दोनों के दोनों ये बंदे, नहीं तो खेल ही नहीं रहे ये तो। हेड ही हेड में बात कर रहे हैं दोनों के दोनों, कोई यहाँ से हेड शॉट मार रहा है, कोई एमपी से, कोई उससे। तो 8th राउंड देखते हैं कि कौन ले जाएगा कतुलिस्तीवा का। ओ भाई साहब फैज ले गए राउंड। सो गाइस अब आ चुका है हमारा 9th राउंड। M10 फास्टर ने पकड़ रखी डेजर्ट ईगल, वन टैप की पूरी कोशिश, क्या वन टैप मार पाएंगे कि नहीं। ओ भाई खुद डैमेज खा गए ये लोग एकदम। M10 फास्टेस्ट वाइपर पूरे रश के मूड में, ओपी तरीके से गुड बॉल आके रश कर रहा है, बंदे को समझ ही नहीं आ रही क्या ही वन टैप मारा, अच्छा खासा डैमेज और यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट दिखा के ले गया। तो अब गाइस 10th राउंड आ चुका है और भाई हम देखते हैं कौन जीतता है राउंड। वाइपर निकल ही नहीं रहा है बाहर, 150 का डैमेज पड़ेगा अगर 8 फ्रेम का शॉट पड़ेगा तो। एक शॉट भी कनेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे, वाइपर भाई मौका ही नहीं दे रहा यार। देख लो गाइस इतना साल के बच्चे क्या ही स्ट्रेटजी लगा के गेम खेल रहे हैं, बड़े बड़े भी फेल हैं इनके सामने। तो देखते हैं ये राउंड कौन ले जाता है, वाइपर या M10 फास्टेस्ट। थोड़ा सा सीरियस ही लग रहा है अपना वाइपर इस गेम में, इस राउंड पे। देखते हैं कौन ले जाता है फिर ये राउंड। डैमेज पड़ा है, क्या वाइपर ये राउंड निकाल पाएगा। ओ नो पड़ गया डैमेज बहुत गंदा वाला, 25-26 की हेल्थ है। वाइपर M10 फास्टेस्ट ने मौका ही नहीं दिया, सीधा वॉल तोड़ के अंदर और राउंड निकाल लिया। तो इसी के साथ आते हैं 11th राउंड में। वाइपर पूरे रश के मूड में ही है हमेशा की तरह, क्या ये राउंड वाइपर निकाल सकता है कि नहीं गाइस बताओ मेरे को। ओ भाई वाइपर ले गया राउंड, वाइपर लगता है सीरियस हो चुका है अब, उन्हें हील करने का मौका नहीं दिया था पिछले राउंड में। तो M10 फास्टेस्ट क्या ये राउंड निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राउंड मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये हार जाएंगे 7-5 से। ओके तो पूरा पैक हो चुके हैं, नहीं छोटे से छेद से मार रहा है बंदा। ओ भाई 4 की हेल्थ और वाइपर लेके आया राउंड, तो वाइपर जीत चुका है 7-5 के राउंड से। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो